दिग्रस कोविड केयर सेंटर के तहत कल तक कुल एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या 77 थी। ऐसे में शुक्रवार को 5 मरीजों के पॉजिटिव से निगेटिव होने की जानकारी है। वहीं 24 सितंबर को यवतमाल भेजे गए स्वैब सैंपलों में से आज आरटीपीसीआर टेस्ट के तहत 2 रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद खबर लिखने तक कुल एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या अब 74 हो गई है। मालूम हो कि आज प्राप्त 2 पॉजिटिव रिपोर्ट्स में एक अंबिकानगर और एक गवलीपुरा से होने की जानकारी कोविड केयर के सूत्रों ने दी है। तहसील में कोरोना संक्रमण के उतार चढ़ाव का ग्राफ बदस्तूर जारी है। हालांकि बाजारों में इन दिनों पहले की तुलना में ग्राहकों के राहगीरों की आवाजाही कम नजर आ रही है। इसी के लिए मौसम के बदलते तेवर के साथ ही सामान्य मजदूर पेशा लोगों की आर्थिक तंगी के साथ ही कुछ हद तक कोरोना संक्रमण का खौफ भी एक वजह है। बहरहाल बात चाहे जो भी हो, नागरिकों के लिए सतर्कता की बागडोर को थाम कर चलने में ही समझदारी है। एनबीसी न्यूज के लिए जुबैर खान की रिपोर्ट।